गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स बाय यूज ऑफ परवर्त्ययोजित मेथड। मेथड इज सिमिलर टू द निकलम मेथड, ओनली देर इज ए सिंगल डिफरेंस दैट वी विल सी व्हेन वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 2112 डिवाइड बाय 97। सो हियर डिविजन इज 97। नाउ बेस ऑफ इट इज 100। नाउ डेविएशन इज नंबर माइनस बेस। सो नंबर माइनस बेस equals to 97 minus 100, so that is minus 3. Since divisor contains two digits, so deviation also contains two digits, so minus 03, and minus 03 can be written as in Nicklam method 0 bar of 0 and bar of 3. So minus 03 can be written as 0 and 3 bar. Now in this method only a difference from Nicklam method is that here we use the transpose of deviation. अगर हमारा deviation positive number है, जैसे suppose कोई भी हमारा deviation positive number 7 है, so transpose करेंगे then इसको negative यानी vinculum में convert कर लेंगे। और अगर हमारे पास डेविएशन नेगेटिव है सो हम उसको ट्रांसपोज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है निकलम से वो ये है इस मेथड का। नाउ सिमिलर टू निकलम मेथड वी मेक थ्री पार्ट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा डिविजर है दैट इज, देन डिविजर के बाद हमारा जो उसमें हम लिखते थे यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ डेविएशन आया है उसको लिखेंगे 03। सिमिलरली राइट हैंड साइड से जो आपका डिविडेंट है उसमें डिविजन में जितने पार्ट्स जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे टू डिजिट्स हैं, सो आपका जो डिविडेंट है उसके भी राइट हैंड साइड से हम टू डिजिट्स तो यहाँ लिखेंगे और जो रह गए उनको हम यहाँ लिखेंगे। सेम उस मेथड के जैसे इसका हम सम लिखेंगे यहाँ पे टू फर्स्ट कॉलम का, उसको जो है आपका ट्रांसपोज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 03 वी गेट 06, इसको ब्लैंक रख दिया। सेम अगले पार्ट का सम करेंगे सो वी गेट 1 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 03 वी गेट 03। सो देखिए इस पूरे पार्ट्स को इसने कवर कर लिया, जो लास्ट डिजिट है वहाँ तक आ गया। सो 3 + 2 वी गेट 5 एंड 6 + 1 वी गेट 7। सो दिस इज अ रिमाइंडर एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 21 एंड रिमाइंडर इज 75। रिमाइंडर इज 75। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हियर डिविजर इज 131, सो बेस दैट इज नियरर टू 100, सो बेस इज 100। नाउ डेविएशन इज नंबर माइनस बेस, सो 131 माइनस 100 वी गेट 31। सो नेक्स्ट स्टेप में जो डेविएशन हमारा है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। सो ट्रांसपोज ऑफ डेविएशन, नाउ ट्रांसपोज ऑफ डेविएशन, देखिए पॉजिटिव नंबर है सो हम इसका विनकुलम में कन्वर्ट करके, आप ये कह सकते हो कि जो विनकुलम में कन्वर्ट नहीं करना है, जो आया उसको नेगेटिव लिखना है। सो नेगेटिव लिखेंगे देन 3 bar and 1 bar। नाउ सेम हम इसमें भी थ्री पार्ट्स बनाएंगे, जो फर्स्ट पार्ट है ऊपर वहाँ पे जो हमारा डिविजर है दैट इज 131, इसके नीचे जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ डिजिट आया है -31। देखिए यहाँ हमने जो हमारा डेविएशन था दैट इज पॉजिटिव सो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके लिखा, यहाँ हमारा जो डेविएशन था दैट इज नेगेटिव सो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखा। नाउ जो हमारा बेस है उसमें कितने जीरो हैं, टू जीरो, बेस में कितने जीरो हैं टू, सो टू डिजिट्स
जो डिविडेंड है उसके टू डिजिट्स हम इस साइड लिखेंगे, जो रह गए उन डिजिट को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए वही जो पहला है उसका सम वी गेट वन, वन को नेगेटिव थ्री नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट नेगेटिव थ्री नेगेटिव वन, ये डैश हमारा। अगेन इसका सम वी गेट प्लस थ्री एंड माइनस थ्री वी गेट जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव थ्री वन, सो वी गेट जीरो इंटू थ्री नेगेटिव जीरो, नाउ जीरो इंटू वन वी गेट जीरो, ये डैश। इसका सम किया सो पॉजिटिव थ्री नेगेटिव टू, देखिए पॉजिटिव थ्री नेगेटिव टू वी गेट पॉजिटिव टू, नाउ टू इंटू नेगेटिव थ्री सो वी गेट सिक्स, टू इंटू वन वी गेट टू। देखिए यहाँ इसको कवर कर लिया, लास्ट जो डिजिट है उसको, जो लास्ट डिजिट फाइव है उसको कवर हो गया है, नीचे तक आ गया। नाउ सम दिस फाइव प्लस फाइव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, फाइव पॉजिटिव टू नेगेटिव सो फाइव माइनस टू वी गेट थ्री, नाउ एट पॉजिटिव सिक्स माइनस वी गेट प्लस टू, सो आवर क्वोशंट इज 102 एंड रिमाइंडर इज 23। दिस इज आवर परवर्ते योजित मेथड विच कैन बी यूज टू डिवाइड टू परफॉर्म द डिवीजन।